Radhe यह कथा एक ऐसे भक्त की है जो बाल्यकाल से ही किसी ऐसे व्यक्तित्व के प्रेम में छका हुआ था जिसे ना तो उसने देखा था और न उसके विषय में वह कुछ जानता था, परंतु उसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता है उसे वे एक दिन अवश्य अपनाएंगे, परंतु कब, कैसे और कहां, इन सब बातों से वह अनभिज्ञ था। यह कृपालु जी परम भरोसो कबहूं तो हरी अपनई है। मधुकाल मधुकाल बेटा, यहां एकांत में बैठा क्या कर रहा है मेरा लाडला बेटा? पता है, आज मैंने तेरी पसंद के पकवान बनाए हैं। जल्दी से हाथ मुंह धोकर भोजन करने आ जा। तू सुन रहा है या नहीं? माँ, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे अभी भूख नहीं है। अरे, भूख नहीं है? ये क्या बात हुई? कविता बनाने का शौकीन क्या है? दिन भर कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है। किसके लिए लिखता है और क्या लिखता है, जरा मैं भी तो देखूं। माँ, माँ तुम भी ना। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। वाह, सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो ये ज्ञात ही नहीं था मेरा पुत्र इतना बड़ा तत्वज्ञानी है। अच्छा ये बता, तूने किसी को अपना गुरु बनाया है? हमें भी बता, भला वो महात्मा है कौन जिनके प्रेम में मेरा पुत्र दीवाना सा बना फिरता है? माँ, मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, और सच बताऊं तो मैं अपने गुरु को कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई तो है जिनसे मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है, जो मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, जिनकी निगाह मुझ पर है, वे ही मेरे गुरु हैं, मेरे पीर हैं। और माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही मेरा उनसे मिलन होगा। श्री हरि कोई ना कोई उपाय करेंगे। तेरी भावनाएं जानकर मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब लगता है मेरा पुत्र बड़ा हो गया है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अब जल्दी से भोजन करने आ जा। हरी कृपा गुरु मिले
गोविंद राधे, गुरु कृपा हरि मिले, सबको बता दे। अरे सुनती हो? सुनती हो जी, आज महात्मा जी के यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। अच्छा, हम सबको वहाँ चलना है। मधुकर को भी अपने साथ ले चलेंगे। इसी बहाने थोड़ा घर से बाहर निकलेगा। कुछ अधिक ही गंभीर स्वभाव वाला हो गया है तुम्हारा पुत्र। प्रेमी भक्त जो है। हाँ, क्या कहा तुम? माँ बेटे की बात तो मेरी समझ से बाहर है। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। आप चलिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर तुम लोगों की प्रतीक्षा करूँगा। जी मधुकर, आज तुझसे एक बात कहूंगी, मना मत करना। मैं जानती हूं तेरा मन नहीं करता घर से बाहर जाने में। अपने ही विचारों में संगीत के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहता है तू। परंतु आज एक दिन अपने पिताश्री की बात मान ले। बड़े दिल से वे चाहते हैं कि तू भी आज उन महात्मा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करे। देख बेटा, मना मत करना। चलेगा ना तू हमारे साथ? देखना, वे ही तेरे गुरु होंगे, ऐसा मेरा हृदय कहता है। माँ, वे मेरे गुरु हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पिताश्री की बात मानना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं जाऊंगा। परंतु मुझसे भीतर जाने के लिए मत कहना माँ। जहां मेरी श्रद्धा नहीं, वहां जाकर मैं क्या करूंगा? और अगर वे मेरे गुरु हैं तो वे मुझे स्वयं भीतर बुला लेंगे, अपने चरणों में मुझे स्थान प्रदान करेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरा दिल जो कहता है वही होता है। देखना, वे ही तेरे गुरु होंगे। श्री सच्चिदानंद जी महाराज की उस समय बड़ी मान्यता थी, लोगों की उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। सभी को यह पूर्ण विश्वास था कि वे निश्चित ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
महापुरुष हैं। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। गुरु गोविंद भगवान की जय। अरे सुनती हो, वो कहाँ रह गया? तुम्हारा बेटा मधुकर अंदर आया नहीं? मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने कहा वह बिना श्रद्धा के भीतर नहीं आएगा, द्वार पे ही खड़ा है। उफ़ो, समझा समझा के थक गया मैं उसे। राघव जी। गुरुदेव, भीतर जाकर एक कागज एवं लेखनी ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव, अभी लाया। राघव, बाहर जाकर देखना, द्वार पर एक युवक खड़ा है, ये पत्र उसी को दे देना। जो आदेश गुरुदेव। सुनिए जी, ये पत्र गुरुदेव ने आपके निमित्त भेजा है। मेरे निमित्त? आपके गुरुदेव ने? जी। मेरे प्रिय मधुकर, यहाँ तक आकर भी तुम द्वार पर ही खड़े हो, क्या लगता है तुम्हें मेरी निगाहों से खुद को दूर रख पाओगे? तुम चाहे आज बाहर खड़े रहो अथवा दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुम्हारे ऊपर मेरी निगाह हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम्हारे विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ और भुज पसारे तुम्हें अपनाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो तू धावे एक पग, तो मैं धावूं 60, तुम्हारे गुरुदेव। मेरे पीर, मेरे गुरुदेव, मेरे सर्वस्व, गुरुदेव, गुरुदेव। न जाने इतने दिनों तक कहाँ थे आप? कब से मेरे नेत्र आपके इन सुकोमल चरण कमलों के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे थे? मैं तो अज्ञ था,
को नहीं जानता था, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर मुझे आपने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? आपके बिना मेरा एक एक क्षण युग के समान बीता प्रभु। आप कहाँ हैं? कैसे हैं? मैं किससे पूछता गुरुदेव? बस यदि मैं तुम्हें सरलता से मिल जाता तो शायद तुम्हें मेरे दर्शन से उतनी प्रसन्नता ना होती जितनी आज हो रही है। तुम्हारी प्रतीक्षा का आज अंत हुआ। उठो उठो वत्स। आजू परी निधि पाई मायरी, मैं तो आजू परी निधि पाई मायरी, मैं तो जी ही खोजत मोहि युग युग बीत्यो, पर्यो न कतहु लखाई मायरी, मैं तो। बस देखो मैं तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित हूँ। देखो, अरे पगले, जब से आया है तब से हमारे चरणों की ओर ही देखता जा रहा है। जरा हमारे मुख कमल की ओर भी तो दृष्टि डाल। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसा करने के लिए ना कहिए। मैं अनंतानंत जन्मों का पापात्मा आपके श्रीमुख की ओर देखने के लायक नहीं हूँ। लज्जा से मेरा शीश बरबस ही नीचे झुक जाता है। एवं गुरुदेव, आपके इन चरण कमलों में आपकी समस्त कृपा शक्ति पूंजीभूत हो जाती है और मुझ अधम का कल्याण भी एकमात्र आपकी कृपा शक्ति द्वारा ही हो सकता है। मुझे तो बस एकमात्र यही ज्ञान है कि आपके चरणों में ही मेरा स्थान है। मेरे निमित्त इस संपूर्ण संसार में अन्य कोई स्थान नहीं है गुरुदेव। सुन लो दीना सात स्वर्ग अपवर्ग न मांगत रहतव पद मम माथ दिन की। गुरुदेव, आपसे
एक विनती करना चाहता हूँ। कहो वत्स। गुरु एवं भगवान से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, कहो। गुरुदेव, इतने दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात आप मुझे मिले हैं, कृपा करके मुझे यहाँ से संसार में मत भेजिएगा। मैं आपके चरणों की शरण में रहकर केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। परंतु तुम्हारे माता पिता? गुरुदेव, जीव के एकमात्र संबंधी तो हरि एवं गुरु हैं, अन्य नातेदार तो इस नश्वर शरीर के हैं। श्री हरि के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता, परंतु आप ही मेरे पिता, मेरी माता, बंधु, धन, सर्वस्व हैं। आपके बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है प्रभु। परंतु क्या उनकी अनुमति है? गुरु तो है माता सम गोविंद राधे, शिशु मन मल धोके विमल बना दे। गुरु तो है पिता सम गोविंद राधे, कन्या को सजा के हरि घर पहुंचा दे। महात्मन, हमारा जीवन तो आज सफल हो गया। प्रत्येक माता पिता का यह स्वप्न होता है कि उनकी संतान सफलता की सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, एवं हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि संतान भगवत भक्त नहीं है तो ऐसे माता पिता का माता पिता होना व्यर्थ है। हमारी संतान आपकी भक्ति करे, इससे बड़ी सफलता उसके लिए और क्या हो सकती है? महात्मन, हम तो जीवन पर्यंत आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए, परंतु हमारी संतान को आप अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर हमें कृतार्थ कीजिए। हम इसकी गुरु भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहते। देखो मधुकर, अत्यधिक भगवत कृपा के फलस्वरूप ही जीव का जन्म ऐसे परिवार में होता है जहाँ पर सभी उसकी भक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। तुम भी प्रभु के विशेष कृपा पात्र हो। इस समय तो मैं तुम्हारे निवेदन को स्वीकार कर रहा हूँ, परंतु हो सकता है मुझे भविष्य में संसार के कल्याण निमित्त तुम्हें कुछ समय संसार में भेजना पड़े। उस समय क्या तुम मेरी बात मानोगे? गुरुदेव, वह शिष्य शिष्य नहीं है जो गुरु की आज्ञा का सहर्ष पालन न करे। अंतिम श्वास तक मैं आपकी समस्त आज्ञाओं का उल्लास के सहित पालन करूंगा। मधुकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लो। पालन
एक दिन श्री सच्चिदानंद जी ने अपने अनुयायियों की परीक्षा लेने की ठानी। मेरे सभी अनुयायी मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु प्रेमी का हृदय एक मिट्टी के बर्तन की भांति होता है। यदि उसे अच्छी प्रकार से तपाया ना जाए तो वह कमजोर ही रह जाता है। इसलिए आज मैं इन सब की परीक्षा लूंगा, देखते हैं अपने गुरु के प्रति इनकी कितनी श्रद्धा है। हरि, जाओ अपने सभी साथियों को बुला लाओ, कुछ आवश्यक कार्य है। जो आदेश गुरुदेव। आपने हमें बुलाया गुरुदेव? हाँ मेरी प्रिय अनुयायियों, आज तुम सबको मेरे साथ एक विशेष स्थान पर चलना है। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। नामापराध क्या है? हरि गुरु के प्रति दुर्भावना। बस हम उस महापुरुष पर दुर्भावना करते हैं, बार बार अपराध करते हैं, वो जानता हुआ भी क्षमा करता रहता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, फिर चलो माफ कर दो। फिर अपराध किया उसने, जो गुरु उसके पीछे पड़ा है कल्याण के लिए, उसी के प्रति अपराध कर रहा है। गुरु जी लालची है, ये तो पैसे के साथी है। ये हजार बार सोचा हम लोगों ने, कितना बड़ा अपराध है कि ये सृष्टि भगवान की, तुम नंगे आए, तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो भगवान की तो है। वो भगवान जिस जो संत के पीछे पीछे भागता है, अगर उसने तुम्हारी कुछ संपत्ति अपनी सेवा में, वो भी तुम्हारे कल्याण के लिए ले ली, तो अपना सौभाग्य न मानकर ये सोच रहे हो गुरु जी को पैसा चाहिए। ये बार 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 अपराध करते हैं हम लोग, रोज करते हैं। जरा भी लज्जा नहीं आती कि अपराध एक बार कर ले आदमी तो फील करे दोबारा न करे। फिर अपराध, फिर अपराध, नामापराध, जिससे बड़ा कोई पाप न हो वो करते हैं हम लोग। अब आशा करते हैं भगवत प्राप्ति तो कराए नहीं गुरु जी ने। अरे जो गुरु जी तुम्हारा इतना अपमान सह रहे हैं, उनके प्रति तुम अभी शरणागत भी नहीं हुए। तुमको जिस दिन ये फीलिंग होगी, अरे हमसे कुछ मांगा उसने, जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, हमसे मांगा दरिद्री से, कितने भाग्य हैं हमारे। जिस दिन ये सोचेंगे हम, समझ लो अब गुरु की शरणागति प्रारंभ हुई। बड़ी विचित्र सी जगह है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सूर्यकांता, 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 ये किसी भक्त का नाम है? प्रणाम महात्मा जी, बड़े दिनों में पधारे। पहले तो आप बहुत आया करते थे। गुरु जी इस वेश्य के यहाँ आया करते थे? बड़े आश्चर्य की बात है, हमें तो पता ही नहीं था। मेरी तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि हमें तो
बड़े बड़े उपदेश देते हैं और स्वयं एक वेश्या के यहाँ आया जाया करते हैं। छी 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 छी। भीतर आइए, आइए ना। सूर्यकांता, जरा मदिरा ले आना। मदिरा? गुरुजी शराब भी पीते हैं? हे भगवान। अवश्य, आप भीतर तो आइए। शिष्यों, तुम सब यही हमारी प्रतीक्षा करो। जी ठीक है। जैसी आपकी जो आज्ञा गुरुदेव। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। गुरुदेव, हम रात्रि भर आपकी ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। सूर्यकांता, हाँ वो हमारी प्रिय मदिरा अवश्य ले आना, उसके रस की तो कोई तुलना ही नहीं है। जैसी आपकी इच्छा। देखो बाहर जाओ एवं एक मदिरा की शीशी में पानी भर कर ले आओ। देखने वालों को ऐसा लगे कि इसमें शराब है, ठीक है? सूर्यकांता, दरवाजे की कुंडी लगा के भीतर आ जाओ, मदिरा का रस लेंगे। मधुकर को छोड़कर अन्य सभी शिष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रात्रि भर मैं यहाँ खड़ा रहूं, मेरे से तो एक क्षण भी यहाँ नहीं रुका जा रहा। ऐसे गुरु के संग से तो हमारे जीवन की नैया ही डूब जाएगी। मैं तो चला जयराम जी की। अरे रुको रुको, गुरु जी क्रोधित हो जाएंगे। होते हैं तो होने दो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी ओर श्री सच्चिदानंद जी अपने शिष्यों की बुद्धि का हाल देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। सूर्यकांता, देख रही हो हमारे अनुयायियों का हाल? सिद्धांत ज्ञान तो इनके मस्तिष्क में है ही नहीं, अपने गुरु पर ही ये संदेह कर रहे हैं, शरणागति का अर्थ भी नहीं जानते, नहीं जानते कि आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम ही शरणागति का वास्तविक अर्थ है। परंतु महात्मन, मैं देख रही हूँ कि एक भक्त आपका ऐसा भी है जो द्वार की ओर बड़े प्यार से निहार रहा है, उसके नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे हैं। उसे देखने मात्र से ही ऐसा लगता है बड़ा ही भावुक युवक है। भयंकर आंधी में गोविंद राधे पर जैसे अचल बता दे, ऐसे ही साधक, ऐसे ही साधक गोविंद राधे साधना अटल बसा दे। अरे तेरे सब साथी कहाँ गए? गुरुजी, वे तो सब चले गए। चले गए? ऐसा क्यों?
मुझे ज्ञात नहीं गुरुदेव। वे तो सब चले गए, फिर तू क्यों नहीं गया? मैं चला जाता, कहाँ चला जाता गुरुदेव? आपको छोड़कर मैं कहाँ जाता? मुझ जैसे अधम के लिए आपके श्री चरणों को छोड़कर इस संपूर्ण संसार में और कोई स्थान ही नहीं है जिनसे मैं सर्वाधिक प्रेम करता हूँ, जिनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, संपूर्ण सृष्टि को ठुकरा सकता हूँ। आपके उन सुकोमल चरण कमलों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ गुरुदेव? मैं तो ऐसे दुर्भाग्य के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। आपके चरण कमलों से विलग होकर मैं जीवित नहीं रह सकता गुरुदेव। जाऊं गुरु चरण कमल बलिहार, जाऊं गुरु चरण चरण कमल बलिहार, जिन अरे तुम्हें मुझसे विलग होने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना तुम कभी विलग होगे। तुम तो मेरे हृदय में निवास करते हो और तुम्हारा स्थान हमेशा हमेशा के लिए मेरे चरणों में ही रहेगा, ये मेरा वाक्य सदा स्मरण रखना। समय बीत रहा था और मधुकर को गुरु की आज्ञा अनुसार उनसे विलग होकर राजा की सेवा में जाना पड़ा, परंतु उसका सर्वस्व वह अपने गुरु के पास छोड़ गया। अपना हृदय, अपनी भावनाएं, अपनी आस्था, अपनी भक्ति, केवल उसका शरीर उसके पास था। कहने को वह एक जीवित शव की भांति हो गया था। आपने मुझे बुलवाया राजन? जी, वैसे मैंने आपको आज किसी राजनीतिक विषय में पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया है, अपितु आपके सेव्य मधुकर जी के विषय में कुछ जानने के लिए बुलवाया है। पूछिए राजन, यदि मुझे ज्ञान होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। देखिए, राज्य की सेवा जितनी निष्ठा से वे कर रहे हैं, उतनी निष्ठा से अन्य कोई नहीं कर रहा, इस बात से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। परंतु जब भी उन्हें देखता हूँ तब ऐसा लगता है जैसे
वे किसी के स्मृतियों में डूबे हुए हैं। संसार का कोई भी सुख उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्या ये सत्य है? जी राजन, उनके जीवन में तो उन्होंने केवल एकमात्र व्यक्तित्व को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। उनके यहाँ होने का कारण भी वही व्यक्तित्व हैं। उनके प्रेम में वे दिन रात डूबे रहते हैं, नेत्रों से बरबस अश्रुपात होता रहता है। जिनके लिए वे संसार को त्याग भी सकते हैं एवं अपना भी सकते हैं। अच्छा, क्या आप हमें बताएंगे वे कौन हैं? जी राजन, वे उनके प्राण प्रिय सद्गुरु हैं। सद्गुरु? अभूतपूर्व, ऐसा दीवानापन मैंने आज तक नहीं देखा। शाहाना ठाट बाहर, भीतर मगर दीवाना। आप मेरा एक काम करेंगे? अवश्य राजन, आदेश दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके गुरु प्रेम में बाधक सिद्ध हो रहा हूँ। आप उनसे जाकर कह दीजिए कि मैं सहर्ष उन्हें यहाँ का काम त्याग कर अपने गुरु के पास जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ। और हाँ, आज तक उन्होंने राज्य की जितनी भी सेवा की है उसके लिए जितना धन उन्हें मिलना चाहिए उससे 10 गुना अधिक धन मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुच्छ धन उनके किसी काम का नहीं, परंतु फिर भी मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट के रूप में वो ऐसे स्वीकार करें। ऐसा करके मेरे मन को यह संतोष प्राप्त होगा कि मैं अपने जीवन में उनकी कोई सेवा कर पाया। जैसी आपकी इच्छा राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कि मैं तो उठा
सरकार, आप यहाँ ऐसे एकांत में कब तक बैठे रहेंगे? भोजन भी नहीं करते आप। सरकार, भोजन लाया हूँ, थोड़ा कुछ खा लीजिए। आप ऐसे भूखे रहेंगे तो आपके गुरुवर को भी तो कष्ट होगा। बहुत दिन बीते, पिया को देखे, अरे कोई जाओ, पिया को बुला लाओ। मैं हारी, वे जीते, पिया को देखे, बहुत दिन बीते। सदानंद, तुम अच्छी प्रकार जानते हो मेरा भोजन करना नहीं करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरुदेव के श्री चरणों के दर्शन हो जाते तो उनकी आज्ञा का पालन करना है मुझे, और जब तक महाराज चाहेंगे तब तक मैं इस राज्य की सेवा करूंगा। और यदि महाराज आपको यहां से जाने की अनुमति दे दें तो? तुम्हें मेरी हालत पर हंसने का पूर्ण अधिकार है। मैं आप पर कैसे हंस सकता हूँ सरकार? वास्तविकता तो ये है कि मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। वैसे मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया था, आज्ञा हो तो कहो। सदानंद, मुझसे कैसा संकोच? सरकार, आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, आज कुछ ऐसा हुआ है। पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ। सरकार, महाराज ने क्या? महाराज ने कहा है कि उन्होंने आपको यहाँ के कार्यों से निवृत्त कर दिया है, एवं आप अब बिना किसी चिंता के अपने गुरुदेव के पास जा सकते हैं। क्या? क्या तुम सत्य कह रहे हो? जी सरकार, मैं सत्य कह रहा हूँ। सदानंद, मेरे जाने की तैयारी करो, मेरे गुरुदेव मुझे पुकार रहे हैं। मैं अभी इसी समय प्रस्थान करूंगा। अवश्य सरकार, हम सब भी आपके साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग राज्य की सेवा छोड़कर ना जाओ। सरकार, राज्य की सेवा तो होती ही रहेगी, परंतु जिन गुरुदेव की स्मृति में आपके जैसे व्यक्तित्व का ऐसा हाल हो जाता है, उनके दर्शन प्राप्त करने के सौभाग्य से हमें वंचित न कीजिए। और तो और, महाराज ने आपके निमित्त बहुत सारी भेंट दी है, उसे भी तो आपके गंतव्य तक पहुंचाना हमारा धर्म है। भेंट? हाँ सरकार, महाराज को ये ज्ञात था कि आप उनका दिया हुआ धन स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, इस धन को आप अपना वेतन भी मान सकते हैं, इसलिए इस पर आपका ही अधिकार है। परंतु कुछ नहीं सरकार, इसी बहाने दान द्वारा उनके अंतःकरण की भी शुद्धि होगी, क्योंकि यह तो सभी को ज्ञात है कि यह धन आप एकमात्र अपने गुरु के श्री चरणों में ही अर्पित करेंगे। मैं अभी आपके प्रस्थान की समस्त व्यवस्था कर देता हूँ सरकार। श्री सच्चिदानंद जी के शिष्यों को अपनी करनी पे बहुत पछतावा हो रहा था। वे मन ही मन अपने गुरु से
क्षमा याचना कर रहे थे। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण उनके पास धन प्राप्त करने की आशा लेकर पहुंचा। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? हमें बताओ, संकोच नहीं करो। मेरी 18 वर्ष की एक पुत्री है महात्मन, उसका विवाह करवाना है, परंतु मैं अत्यधिक गरीब हूँ। ब्याह कराने के लिए मेरे पास धन नहीं है। यदि मुझे थोड़ा धन मिल जाता तो मैं उसका विवाह करवा देता महात्मन। आपका बड़ा नाम सुना है महात्मन, उसी आशा से मैं यहाँ आया हूँ। दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए महात्मन, मैं बहुत गरीब हूँ, दया कीजिए। रो मत। देखो इस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा करो, तुम 2-3 दिन बाद आना, अवश्य ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जय हो महात्मा जी की जय हो। प्रणाम प्रणाम महात्मन। महात्मा जी की आज्ञा अनुसार वह ब्राह्मण वहां से चला गया एवं 2-3 दिन बाद वह वहां पुनः धन प्राप्त करने की आशा से पहुंचा। चरण स्पर्श महात्मन। मेरी समस्या। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बेचारा इतनी आशा लेकर मेरे पास आया है, इस समय तो मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करूं? देखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु ऐसा करो, तुम मेरी ये पादुकाएं ले जाओ। मेरा विश्वास है कि इससे तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। हैं, पादुका? अरे ये क्या, धन न देकर मुझे अपनी पादुकाएं दे रहे हैं? इन पादुकाओं को लेकर मैं क्या करूंगा? फिर भी संतों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता इसी से ही मेरा काम बन जाए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए महात्मन, अब मैं चलता हूँ। सरकार, रात्रि होने वाली है, मुझे लगता है आपको थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। नहीं सदानंद, तुम नहीं समझ सकते, इस समय मेरा हृदय केवल और केवल अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए तड़प रहा है। एक पल मुझे करोड़ों युगों के समान प्रतीत हो रहा है। सरकार, मैं आपके हृदय की दशा को समझ सकता हूँ, परंतु यात्रा लंबी है इसलिए कह रहा हूँ, शेष आपकी इच्छा। पास में ही एक कबीला है जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, यदि आप कहें तो मैं वहाँ आपको ले चलूँ। ठीक है, चलते हैं। Thank you.
सुनिए जी। आपको कहीं देखा है मैंने? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? हाँ याद आ गया, आप महाराजा जी के खास श्री मधुकर जी के सेवक है ना? जी सही पहचाना। आइए 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 आइए। दरअसल बात ये है कि हम सब मधुकर जी के साथ उनके गुरुदेव के पास जा रहे हैं। रात्रि हो गई तो सोचा क्यों ना आपके यहाँ विश्राम कर लें, प्रातःकाल पुनः यात्रा पर निकल पड़ेंगे। तो क्या मधुकर जी भी पधारे हैं? जी। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, जो वे यहाँ पधारे। कहाँ है वो? मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। अरे बिरजू, रे बिरजू इधर आ, जा जा दौड़ के ना फल लेकर आ जा। और हाँ सुन सुन, इधर इधर तो सुन, पूरा सुन के जा, चरण पखारने के लिए जल भी लेकर आना, जा 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 तुरंत जा। अरे चमेली, अरे चमेली, तुम सब अंदर जाकर भोजन की व्यवस्था करो, हमारे यहाँ अतिथि बनकर मधुकर जी आए हैं, उनके सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और क्या बक रहा, और क्या बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, अरे हाँ मैं तो भूल गया, रेवती, ए रेवती, जल्दी से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करो, जा जा जल्दी जा। मुखिया जी, अरे आइए 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 आइए, आपके यहाँ आने से हमारा कबीला धन्य हो गया। आइए 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 बैठिए बैठिए। बिरजू, ए बिरजू जल लेके आ। ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हुजूर आज हमें मत रोकिए, हमें आपका सत्कार करने का अवसर दोबारा मिले ना मिले है? अरे खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो, जा जा भोजन लेकर आओ, इतनी दूर से चलकर आए हैं, भूखे तो होंगे ही। हुजूर खाइए ना, बिना खाए हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमारी खातिर आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। मुझे मुझे भूख नहीं है। अरे खाइए ना, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, हम गरीबों की खातिर कुछ ले लीजिए थोड़ा। ये लीजिए, ये हुजूर ये चखिए, ये हमारे कबीले का सबसे प्रसिद्ध पकवान है, और ये लीजिए, ये हमारे चमेली ने बनाया है, बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अरे ये तुम लोग ना मां मूरख हो, जाओ जाके दूसरों को भी तो परसो, जाओ खातिर करो, तुम घर मुंह देख रहे हैं, जाओ यहाँ से जल्दी करो जाओ। सब तो बेखुश है, आप कहते हैं थोड़ा बौरा गए हैं खड़े खड़े बच्चे सब। हुजूर हमारे कबीले की ये लड़कियां बड़ा अच्छा गाती है, सच में एकदम सुर में, और आपको कुछ सुनाने की इच्छा रखती है। मुझे अगर आप आज्ञा दें तो शुरू करवाऊं। तू समरथ वारिस है फिर भी, तू समरथ वारिस है फिर भी, लावारिस मैं कहलाता हूँ, तू समरथ वारिस है फिर भी, लावारिस मैं कहलाता हूँ,
तू व्यापक हर जर्रे में है पर तू व्यापक हर जर्रे में है पर दीदार न तेरा पाता हूँ सरकार माफ हो गुस्ताखी कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ कर नजरे इनायत करुणा कर मैं माया से घबराता हूँ कर नजरे इनायत करुणा कर मैं माया से घबराता हूँ झूठा ही सही पर नाम कृपालु लेकर तुझे बुलाता हूँ झूठा ही सही पर नाम कृपालु लेकर तुझे बुलाता हूँ सरकार माफ हो गुस्ताखी। सुनिए ये किसकी रचना है? भक्ति भाव इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। ये रचना तो संत शिरोमणि श्री सच्चिदानंद जी की है। हमने कहीं पर लिखा हुआ पाया तो इसे स्वरों से सजा दिया सरकार। श्री सच्चिदानंद जी मेरे गुरु की रचना तभी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गुरुदेव गुरुदेव आपके दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे? तू समरथ वारिस है फिर भी लावारिस मैं कहलाता हूँ तू व्यापक हर जर्रे में है पर दीदार न तेरा पाता हूँ। सरकार संभालिए अपने आप को, अति शीघ्र आपकी भेंट आपके गुरुवर से होगी, बस कुछ ही घंटों की तो दूरी है। आइए सरकार आइए, विश्राम कर लीजिए। ए चलो सब चलो तुम सब जा चलो यहाँ से चलो तुम सब भी जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, है? जाओ सो जाओ। सरकार आप सोए नहीं? आप नहीं सोएंगे इसका अनुमान तो मैंने लगा लिया था, प्रेम के ही लक्षण हैं। प्रातःकाल हो चुकी है, यदि आज्ञा हो तो यहाँ से आप प्रस्थान करें। मुखिया जी अब हमें आज्ञा दीजिए, हमारा इतना आदर सत्कार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हुजूर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपके नौकर हैं, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए पूरे कबीले की ओर से कि आपने हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हम धन्य हो गए हुजूर, हम धन्य हो गए। आपकी यात्रा मंगलमय हो बस प्रभु से यही कामना है। हुजूर
सदानंद, क्या तुम्हें भी गुरुदेव के चरणों की सुगंध आ रही है? सरकार, मैंने तो कभी उनके चरणों के दर्शन तक नहीं किए, उस दिव्य सुगंध की मुझे पहचान नहीं है सरकार। यहीं कहीं आसपास वे हैं, तुम सब भी ढूंढो, जाओ। मेरे गुरुदेव के चरणों की सुगंध आ रही है। गुरुदेव के श्री चरणों की सुगंध कहां से आ रही है? सुनिए जी, आप कहां जा रहे हैं? अपने गांव जा रहा हूं, और कहां जाऊंगा? वैसे आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है? लूटेगा क्या मुझे, हे ईश्वर? परंतु चेहरे से लुटेरा तो लगता नहीं है। फिर आपके हाथ में निश्चित ही मेरे गुरुवर की पादुकाएं हैं। नहीं नहीं, कोई गुरु नहीं है आपके वे, ये तो मुझे श्री सच्चिदानंद जी महाराज ने दिए हैं। हाँ गुरुदेव। अरे आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कुछ बोला क्या आपको? ब्राह्मण देवता, क्या आप कृपा करके मुझे ये पादुकाएं दे सकते हैं? आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। देखिए मैं बहुत गरीब हूँ, बेटी का विवाह करवाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। सोचा संतों के पास हर कष्ट का निवारण होता है, अतः मैं श्री सच्चिदानंद जी महाराज के पास गया था। परंतु धन उनके पास था नहीं, तो उन्होंने मुझे अपनी पादुकाएं दे दी और कहा इससे तेरा काम हो जाएगा। सत्य कहा था उन्होंने। ऐसा करिए, आप ये पादुकाएं मुझे दे दीजिए, एवं बदले में मेरे पास जितना धन है सब ले जाइए। अजीब आदमी है, इसके पास कुछ है नहीं और कहता है धन ले जाओ, मुझे तो पागल ही लगता है। क्या सोच रहे हैं? मैं कहां सोच रहा हूं, मैं कुछ भी तो नहीं सोच रहा हूं। मैं जानता हूं आपको मेरे पास कोई धन नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार, आप यहां हैं, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। सदानंद, जितना धन तुम अपने साथ लाए हो वो सारा इन ब्राह्मण देवता को दे दो। इन्हें? ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। है इतना सारा धन, ये सब आपके लिए। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। विश्वास? बिल्कुल विश्वास है मुझे आपके ऊपर। लीजिए, ले जाइए ये पादुकाएं, आप ही ले जाइए। मेरे गुरुवर का वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। सदानंद, ये समस्त धन इनके गंतव्य तक पहुंचा दो। जो आदेश सरकार। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है मुझे। चलो चलो। जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। चलो चलो, इधर ही मेरा घर, ले आओ ले आओ। चलो चलो। Thank you.
अल्लाह ने दिया है, रहवर जहां से न्यारा या खुद ही बन गया है, या खुद ही बन गया है। अल्लाह इतना प्यारा अल्लाह ने दिया है। अलमस्त चाल से जब रहवर चले हमारा, जब रहवर चले अलमस्त चाल से जब रहवर चले हमारा, तौबा रे तौबा सब कुछ वह लूट ले हमारा, अल्लाह ने दिया जादू भरा इशारा, जादू भरा इशारा। आँखों में जाने क्या जादू भरा इशारा, जिसने भी देखा खोया होशो हवास सारा, अल्लाह ने दिया है रहवर जहां से न्यारा, अल्लाह ने दिया है। अरे तेरे हाथों में क्या है? गुरुदेव ये आपकी पादुकाएं। परंतु ये तो मैंने उस गरीब ब्राह्मण को दी थी, तुझे कहां से मिल गई? गुरुदेव मैं मार्ग में उससे मिला था, उसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन चाहिए था। हाँ तो तूने उसे क्या दिया इनके बदले में? गुरुदेव यहाँ आने से पूर्व ही महाराज ने मुझे बहुत सारा धन दिया था, वो सारा धन मैंने उसे दे दिया और आपकी पादुका ले आया। बस यही मूल्य दिया तूने? बड़े सस्ते में ले आया रे। क्षमा गुरुदेव, क्षमा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने आपकी दिव्य पादुकाओं का मूल्य माइक धन देकर चुकाने की बहुत बड़ी भूल की है। मैं भूल गया था कि इनका मूल्य तो मैं अनंत बार जन्म लेकर अनंत बार अपने प्राण न्योछावर करके भी नहीं कर सकता। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए।
सारा विश्व दान करूं गोविंद राधे, तो भी गुरु ऋण तेना उऋण करा दे। गुरु ने जो दिया ज्ञान गोविंद राधे, कोटि प्राण दान भी ना उऋण करा दे। हम मनुष्य ये सोचते हैं कि हमने गुरु को इतना दिया उतना दिया, परंतु सत्य तो ये है कि हमारी बुद्धि एवं मन ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि एक तुच्छ जीव भला उन श्री गुरुवर की क्या सेवा कर सकता है जिनके पीछे पीछे स्वयं भगवान चलते हैं। हम सदा इसी अहंकार में ही रहे कि ये सब मैंने किया है। गुरु ने हमारी कोई सेवा स्वीकार की दरिद्री से, यह सोच हम कभी विभोर हुए ही नहीं, कभी नहीं सोचा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब उनकी कृपा शक्ति ने हमसे करवा लिया है, अन्यथा हम और उनकी कोई सेवा करते। भक्तगण, तो आइए आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गुरुवर के कोमल चरण कमलों में यह विनती करें, अश्रु बहा के उनसे ये निवेदन करें कि हे गुरुवर, हमारी बुद्धि हमारा मन ऐसा बना दीजिए कि हम कुछ भी करें, कहीं भी रहें, कोई भी सेवा करें, हमें बस आपकी कृपा कृपा एवं एकमात्र कृपा का ही अनुभव होता रहे। दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। गुरु गोविंद भगवान की जय।